तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले सवाल को देखते हैं। कंसीडर टू सॉलिड स्पीयर ऑफ मास ऑफ रेडियस आर वन एंड आर टू, मतलब हर एक की रेडियस आर वन है, आर टू है, और एम वन एंड एम टू उनका मास है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ स्पीयर फर्स्ट एंड सो, मतलब ये जो ग्राफ है, ये वाला ग्राफ ग्रेविटेशनल फील्ड दिया हुआ है, तो एम वन अपन एम टू की वैल्यू निकालनी है। तो देखो, एक क्वेश्चन है, आप इसको तभी कर सकते हो जब आपको ग्रेविटेशनल फील्ड आपको पता हो, किसी सॉलिड स्पीयर का ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है। तो आई होप कि ये ग्राफ सब लोग आप पढ़े होंगे, और अगर नहीं पढ़े हो तो मैं थोड़ा सा तो बता ही देता हूँ, शायद कुछ यादें याद आ जाएं। तो ये जो ग्राफ है ग्रेविटेशनल फील्ड, सॉलिड स्पीयर के अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है भाई? तो सॉलिड स्पीयर के अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड इंक्रीज होता है स्ट्रेट लाइन में, फिर सरफेस पे जाके मैक्सिमम हो जाता है, और उसके बाद एक कंटिन्यूसली डिक्रीज होता है ऐसे सॉलिड स्पीयर का। और इधर मैं ग्रेविटेशनल फील्ड बनाया हूँ, और इधर सेंटर से मैं दूर जा रहा हूँ। कोई स्पीयर है, सॉलिड स्पीयर है, तो उसके सेंटर से मैं दूर जाऊँगा तो फील्ड कैसे वेरी करेगा डिस्टेंस के साथ, उसका प्लॉट है। तो ये जो पीक पॉइंट है यहाँ पर, ये जो फील्ड है वो जो है फील्ड एट सरफेस है, फील्ड एट सरफेस है। और सरफेस पे फील्ड की वैल्यू कितनी होती है? तो सरफेस पे जो फील्ड की वैल्यू होती है, हम सबको पता है कि जी एम ओवर स्मॉल आर का स्क्वायर, ठीक है ना? एक ऐसे बिहेव करता सरफेस पे जैसे पॉइंट मास हो। तो चलो, ये तो बात क्लियर हो गया। तो अब कुछ नहीं करना, इसी फार्मूले को दो बार यहाँ पे अप्लाई कर देना है। एक बार हम लोगों को लगा देना है पहले वाले के लिए, दूसरे वाले। तो पहले वाले ग्राफ के लिए देखो, पहले वाले ग्राफ के लिए देखोगे तो इसका ग्रेविटेशनल फील्ड टू है, रेडियस वन है। तो पहले वाले के लिए देखोगे तो स्पीयर फर्स्ट के लिए ग्रेविटेशनल फील्ड ग्राफ से देखो, वैल्यू टू है, और जी इसका मास एम वन है और रेडियस वन है। मतलब यहाँ से मास एम वन की जो वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी मास एम वन की वैल्यू टू अपॉन कैपिटल जी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। चलो दूसरे ग्राफ से देखो, दूसरे वाले ग्राफ से देखो, दूसरे वाले ग्राफ के लिए थोड़ा सा ग्रेविटेशनल फील्ड ज़्यादा है, 0.3 है, और रेडियस इसने दे रखा है, रेडियस इसका 2 है। तो दूसरे वाले ग्राफ के लिए अगर तुम देखोगे तो ग्रेविटेशनल फील्ड जो है दूसरे वाले स्पीयर की 2 इज इक्वल टू 3, और यह आ जाएगा जी मास एम टू, और यहाँ आर का स्क्वायर, मतलब ये रेडियस 2 का स्क्वायर आ जाएगा बच्चों। तो यह आ जाएगा जी एम टू और रेडियस दैट इज 4। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एम टू की जो वैल्यू आ जाएगी, एम टू की वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी, देखो एम टू की वैल्यू आ जाएगी वो 12 अपॉन कैपिटल जी। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। तो हमें चाहिए एम वन अपॉन एम टू की वैल्यू चाहिए। तो एम वन अपॉन एम टू कितना आ जाएगा भाई? एम वन अपॉन एम टू 2 अपॉन कैपिटल जी, और डिवाइडेड बाई 12, और ये कैपिटल जी, तो कैपिटल जी ने कैपिटल जी काट दिया, तो 1/6 विल बी द फाइनल सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो 1/6 मतलब क्या होता है? तो 1/6 मतलब होता है डी ऑप्शन मैच कर जाता है। तो अपना बहुत ख्याल रखो, मोटिवेटेड रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।